राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस को मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेसी कारनामे की कहानी भी ठोस सबूतों के साथ याद दिला ही दी जाए। यह उस दौर की कहानी है जब बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के दिग्गज संभवतः केवल जांघिया बनियान पहन के नंगे पैर ही अपना दिन गुजारा करते थे। राहुल गांधी समेत कांग्रेसी चमचो चाटुकारों को पिछले 9 साल से लगातार एक ही राग अलापते हुए पूरा देश देख रहा है कि मोदी सरकार सूट-बूट की सरकार है, यह अंबानी अडानी की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। लेकिन इन कांग्रेसी आरोपों के ठीक विपरीत सच कुछ और ही है। जब हामिद अंसारी राज्यसभा का सभापति था और इसी कारण से राज्यसभा टीवी का सर्वे सर्वा कर्ता धर्ता भी था, उसकी कृपा से उन दिनों राज्यसभा टीवी देश भर के प्रचंड मोदी विरोधी मीडिया सरगनाओं मीडिया गिरोहों का मुख्य अड्डा बना हुआ था। उसी दौरान 12 फरवरी 2016 को राज्यसभा टीवी पर एक खबर दिखाई गई थी। खबर क्योंकि राज्यसभा में प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट की थी, इसलिए हामिद अंसारी उसे दबवा रुकवा नहीं सकता था। आता उस बहुत बड़ी खबर को उसने केवल 15 से 20 सेकंड में ही निपटवा दिया था। लेकिन इसके बावजूद उन कुछ सेकंड्स में ही कांग्रेसी कारनामे का पूरा सच सामने आ गया था। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे अनुरोध है हमें अपनी राय जरूर दे और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आई तो हमें आप UPI नंबर 9911955719 पर सहायता राशि देकर हमें प्रोत्साहित करें। चलिए शुरू करते हैं। उस खबर से यह सच सामने आया था कि वर्ष 2004-05 से वर्ष 2015-16 के मध्य कॉरपोरेट टैक्स माफी के नाम पर कॉरपोरेट जगत के 42 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ किए गए। 2004-05 से चल रहे कॉरपोरेट टैक्स माफी के इस गोरख धंधे में कांग्रेस की भूमिका और हिस्सेदारी यह थी कि 2009-10 से 2013-14 तक की 5 वर्ष की समयावधि में राहुल गांधी सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की कांग्रेसी सरकार ने कॉरपोरेट जगत के 20,65,000 करोड़ रुपए के टैक्स माफ किए थे। अर्थात राहुल गांधी सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की कांग्रेसी सरकार औसतन 4.13 लाख करोड़ की टैक्स माफी की सौगात कॉरपोरेट जगत को प्रतिवर्ष दे रही थी। यह सच भी दी हिंदू में प्रकाशित एस गुरुमूर्ति के लेख से उजागर हुआ था। लिंक कमेंट में देखें। सत्ता से विदाई के समय अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष 2013-14 में राहुल गांधी सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की कांग्रेसी सरकार सत्ता से जाते समय भी 4,56,937 करोड़ की टैक्स माफी की सौगात कॉरपोरेट जगत को देकर गई थी। मई 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस गोरख धंधे पर रोक लगाना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप पिछले 6 वर्षों के दौरान रेवेन्यू फोगोन की औसत राशि प्रतिवर्ष 4.13 लाख करोड़ से घटकर 2.14 लाख करोड़ प्रतिवर्ष हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह घटकर मात्र 40,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष हो चुकी है। ध्यान रहे कि 2015 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में यह बताया था कि बैंक लोन राइट ऑफ करने का अर्थ कर्ज माफी नहीं होता और राइफ किए गए कर्ज के कर्जदार से उस कर्ज की वसूली के लिए बैंक द्वारा उसके खिलाफ संपत्ति जब्ती कुर्की नीलामी सरीखी कानूनी कार्रवाई चलती रहती है। वर्तमान वित्त मंत्री सीतारमन भी कई बार यह बता चुकी है। समय समय पर ऐसे स्पष्टीकरण आते रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और राजदीप सरदेसाई रविश कुमार विनोद दुआ सरीखे 54 पत्रकारों का गैंग पिछले 6 वर्ष से समय समय पर बैंक लोन राइट ऑफ करने को लेकर देश से सरासर सफेद झूठ बोलकर देश की आंखों में धूल झोंकने का कुकर्म करते रहते हैं। रेवेन्यू फोगोन के नाम से कॉरपोरेट जगत को दी जाती रही 10 लाख करोड़ की टैक्स माफी का लेकिन कभी जिक्र तक नहीं करते।
कांग्रेस ने शायद कारपोरेट घरानों के 40 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर देने का कारनामा शायद इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि उस समय बड़े बड़े कारपोरेट घरानों के दिग्गज संभवतः केवल जांघिया बनियान पहन के नंगे पैर ही रहा करते थे। कॉरपोरेट जगत के 42 लाख करोड़ रुपए के टैक्स माफ किए जाने की राज्यसभा टीवी की खबर की पुष्टि यह वीडियो देखकर आप भी करिए। चलिए इन सभी खबरों के बीच आपको लिए चलते हैं अमेठी। शायद अमेठी नाम सुनकर आपके जेहन में एक बात तो जरूर आई होगी, नेहरू गांधी परिवार। जी हां, आप सही सोच रहे हैं। जिस अमेठी पर गांधी परिवार का राज हुआ करता था, वही से आज कांग्रेस ने खुद को बड़ा झटका दे दिया है। खबर आ रही है कि इस सीट से कांग्रेस फरार हो गई है और आगामी लोकसभा में इस सीट पर चुनाव ना लड़कर गठबंधन को पकड़ा कर अपना पीछा छुड़ाएगी। लोकसभा 2024 के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। आगामी आम चुनाव में एक साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इस बीच खबर है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस गांधी नेहरू परिवार से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मौजूद थी। इस बैठक में अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर पार्टी की रणनीति और प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार यह तय किया गया है कि नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस बार अमेठी सीट से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। अमेठी सीट को लेकर परिवार और कांग्रेस पार्टी की अब कोई खास दिलचस्पी भी नहीं रह गई है। महागठबंधन होने पर कांग्रेस अमेठी की सीट को लेकर प्रभावशाली तरीके से दावेदारी भी नहीं करेगी। ज्यादा संभावना इसी बात की है कि महागठबंधन होने पर कांग्रेस यह सीट सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। वहीं रायबरेली सीट को लेकर पार्टी अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। कांग्रेस की एक बैठक के बाद सूत्रों ने दावा किया कि गठबंधन होने पर भी रायबरेली सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने पर भी अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। सोनिया चुनाव नहीं लड़ी तो नेहरू गांधी परिवार का कोई करीबी रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार बनेगा। दावा किया गया कि सोनिया गांधी के साथ हुई पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उधर प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर सूत्रों की ओर से दावा किया गया है कि वह आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगी। बैठक में फैसला लिया गया है कि वह आगामी चुनाव में सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेंगी। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब खबर है कि वह यूपी इकाई के प्रभारी का पद छोड़ सकती है।